Welcome back, children, to your EBS class. So, how are you all? I hope you are totally fit and fine at your home. So, guys, last video you have read safety first. So, as you know, in previous video we are going to learn about what is the safety first and how to save at home, how to save on the road, how to save in a school, and how to save from strangers. So many things discuss with you. So today I have discussed about this lesson with you some question answer exercise and activity, because your chapter 10 had completed today. Okay, so today I will discuss about some question answers activity. सो गाइज, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर हम घर पर रहते हैं तो हमें कैसे सेफ रखना है अपने को. फर्स्टली मैंने आपको बताया था कि अगर आप टॉयज खेलते हो तो कोई भी आपको शार्प ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ करना है. शार्प ऑब्जेक्ट आपको ऐसे नहीं छोड़ देना है, क्योंकि इससे क्या हो सकते हो, आप इंजर्ड हो सकते हो, है ना. तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है. और आपको इलेक्ट्रिक वायर भी नहीं टच करना है, तो डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स एंड स्विचेस, है ना. फिर आपको मैंने बताया था कि अगर आप रोड पे जाते हो तो आपको क्या क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं. तो डू नॉट रन और प्ले ऑन द रोड, है ना. एंड नेवर वॉक अलोन, ऑलवेज हैव अ कंपेनियन विद यू व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड और क्रॉसिंग द रोड, है ना. एंड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, है ना. इफ देयर इज नो फुटपाथ, वॉक ऑन योर लेफ्ट साइड, है ना. ये बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी. और मैंने ये भी बताया था कि आपको कभी भी जो है रोड पे प्ले तो करना ही नहीं है, है ना. ये बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि रोड पे क्या निकलती हैं, गाड़ियाँ निकलती हैं. तो आपको कहाँ खेलना है, प्ले ग्राउंड में. इसके अलावा मैंने बताया था फॉलो ट्रैफिक रूल्स, है ना, कि ट्रैफिक रूल्स आपको फॉलो करना है. क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग, है ना. फिर मैंने आपको बताया था ट्रैफिक रूल्स में 3 लाइट्स होती हैं, और ये लाइट्स आपको क्या इंडिकेट करती हैं. रेड लाइट सेज स्टॉप, येलो लाइट सेज वेट, एंड ग्रीन लाइट सेज गो. तो इस तरह से मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको रोड पर अगर निकलना है तो क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है ना, जिससे आप सेफ रह सको. आफ्टर दैट मैंने आपको ये भी बताया था कि आप स्कूल में कैसे सेफ रह सकते हो ना. सेफ्टी रूल्स है स्कूल. स्कूल में भी आपको बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना होता है. तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, कि सबसे पहले आपको ये करना होता है कि अगर आप प्लेग्राउंड में खेल रहे हो तो कभी किसी से फाइटिंग नहीं करनी है, किसी को पुश नहीं करना है, किसी को धक्का नहीं देना है ना. तो डू नॉट हिट अदर्स, किसी से लड़ाई नहीं करनी. नेक्स्ट, डू नॉट रन अराउंड इन द क्लासरूम, डू नॉट रन इन द कॉरिडोर्स, है ना. डू नॉट रन वाइल क्लाइंबिंग और मूविंग डाउन द स्टेयर्स. एंड नेक्स्ट, डू नॉट स्टैंड ऑन डेक्स, आपको डेक्स पे भी नहीं खड़े होना है, उससे भी आप गिर सकते हो, आपको चोट लग सकती है, है ना. तो ये सारी चीज़ें आपको स्कूल में नहीं करनी है. इनकेस अगर आपको कोई इंजर्ड आपको कोई अगर हर्ट करता है या आपको कोई इंजर्ड करता है, तो आपके साथ कोई अगर फाइट करता है, मिसहैप्स करता है, तो आपको अपने टीचर को इन्फॉर्म करना है. आफ्टर दैट मैंने आपको बताया था कि रोड में मैंने जैसा कि अभी आपको पिक्चर्स भी दिखाया था, और आपके बुक में भी ये पेज नंबर था, इसके थ्रू भी हमने आपको सारे ये ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताया था, और कैसे हमें क्या चीज़ फॉलो करनी है ये भी हमने आपको आपकी बुक में था, मैंने बताया था. तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है. और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वी शुड ऑलवेज वियर अ हेलमेट व्हाइल ट्रैवलिंग अ स्कूटर और मोटर बाइक. आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको हमेशा हेलमेट पहनना है. अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, स्कूटर मोटर बाइक कुछ भी चला रहे हो, तो आपको सबसे जरूरी क्या काम है कि आपको हेलमेट पहनना है. देन सो टुडे आई हैव डिस्कस सम एक्सरसाइज. बिफोर एक्सरसाइज आई हैव सम थिंग्स जो आपको लर्न रखनी है. सो पेज नंबर 76 ऑफ सैपलिंग बिंग, ओपन योर पेज नंबर 76 ऑफ सैपलिंग बुक. ओके, सो सी द बुक कि आपको क्या चीज याद रखनी है. लेट्स रिमेंबर. सो डू यू डू दीज थिंग्स पुट अ राइट और अ रॉन्ग. इसके पहले आप ऊपर देखिए, इफ अ स्ट्रेंजर फॉलोज यू, अगर आपको कोई बाहरी व्यक्ति
परेशान कर रहा है तो आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी है, शाउट नो लाउडली, है ना, फिर रन, टेल योर पेरेंट्स और एल्डर्स एडवांस। आपको पहले तो उसको अगर वो कोई चीज़ दे रहा है तो आपको नहीं लेनी है, देन आपको क्या करना है अपने पेरेंट्स को इसके बारे में ज़रूर बताना है, ओके। फिर व्हाट इज़ द फर्स्ट एड बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स क्या है, फर्स्ट एड बॉक्स में हमारे एंटीसेप्टिक लोशन होता है, मेडिसिन होती है, कॉटन रोल होता है, बैंडेड होता है ना। जब फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है, फर्स्ट एड इज़ द फर्स्ट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन, है ना। सो जो फर्स्ट एड बॉक्स में जो हमारा अगर कोई व्यक्ति इंजर्ड हो जाता है तो जो हम पहली उसको हेल्प देते हैं उसको हम फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं, जो फर्स्ट हेल्प उसको मिलती है उसको हम फर्स्ट एड हेल्प बॉक्स कहते हैं, है ना। वी नीड अ फर्स्ट एड बॉक्स टू गिव फर्स्ट एड, उसमें क्या होता है, लोशन रोल, कॉटन रोल, है ना, बैंडेड, मेडिसिन, ये सारी चीज़ें होती हैं। देन आपको क्या याद रखना है, सो सीधा बुक, सेफ्टी एट होम, सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड, सेफ्टी ऑन द रोड, सेफ्टी फ्रॉम स्ट्रेंजर, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई। तो आपको याद क्या रखना है, आफ्टर आई प्ले आई पिक अप माई टॉयज फ्रॉम द फ्लोर, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। देन आई क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग, आई नेवर टेक फूड फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, आई वेट फॉर माई टर्न नियर द स्लाइड, आई ऑलवेज वियर अ सीट बेल्ट व्हाइल ट्रेवलिंग इन अ कार। तो इन सारी चीज़ों को आपको हमेशा याद करनी है, मतलब इसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबल होना है, ओके, क्योंकि ये सारी चीज़ें सेल्फ अवेयरनेस, सब आपको खुद इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, ओके। आफ्टर दैट ओपन योर पेज नंबर 77 ऑफ सैपलिंग बुक, इसके बाद आप देखिए अपने 77 पेज नंबर पे फिल इन द ब्लैंक्स। सेफ्टी मीन्स स्टेइंग अवे फ्रॉम डेंजर, जैसे कि हमने बताया था व्हाट इज द सेफ्टी, फर्स्ट सेफ्टी मीन्स स्टेइंग फ्रॉम अवे फ्रॉम डेंजर, तो यहाँ पर डेंजर आएगा, मैंने फिल कर रखा है। वी शुड क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, द रेड ट्रैफिक लाइट सेज स्टॉप, ओके। नेक्स्ट एक्टिविटी, लुक एट द पिक्चर्स, व्हाट शुड रिया डू, चूज द करेक्ट आंसर। अब देखिए रिया क्या, आपको उसमें करेक्ट आंसर को चूज़ करना है, तो रिया शुड नॉट गो विद द वुमेन आर शी इज़ ए स्ट्रेंजर, शुड नॉट, क्लियर। रिया शुड वेट क्रॉस द रोड, वेट, क्योंकि गाड़ियाँ निकल रही हैं तो उसको क्या करना है, वेट करना है। लुक एट द पिक्चर्स, ड्रॉ आर हैप्पी इफ द सेफ्टी रूल्स आर बीइंग फॉलोड एंड आर सैड इफ दे आर नॉट बीइंग फॉलोड, इसमें आपको हैप्पी फेस एंड सैड फेस बनाना है पिक्चर्स को देख करके। तो फर्स्ट पिक्चर्स में देखिए वो नाइफ ली हुए है, तो क्या बनाएंगे, कौन सा फेस बनाएंगे, सैड फेस बनाएंगे, क्योंकि हमें शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं खेलना है। नेक्स्ट पिक्चर्स में फ्लोर पे वाटर गिरा रही है, तो ये भी क्या है, इससे आप फिसल सकते हो, गिर सकते हो, है ना, तो इसमें भी सैड फेस बनेगा। नेक्स्ट पिक्चर्स में देखिए सारे चिल्ड्रन क्यू में खड़े होकर के बस पे जा रहे हैं, तो ये कौन सा फेस बनेगा, हैप्पी फेस बनेगा, क्योंकि ये बच्चे क्यू में खड़े हुए हैं। क्लियर एवरीवन, ओके। नाउ नेक्स्ट टर्न द पेज, पेज नंबर 78, ओके। सो पेज नंबर 78, अब इस पिक्चर्स में देखिए आप, इसमें रोड पर बच्चे खेल रहे हैं, तो क्या है ये, गलत है, इसलिए यहाँ पर सैड फेस, ओके। नाउ नेक्स्ट पिक्चर, इसमें देखिए स्ट्रेंजर यानी कि बाहरी व्यक्ति उसको डॉल दे रहा है, तो वो कह रही मुझे नहीं लेना है, है ना, कह रही है ना नहीं लेना है, तो वो दे रहा है और वो बोल रही है नहीं लेना है, तो क्या है, बोल तो वो सही रही है लेकिन वो बाहरी दे रहा है, तो सैड फेस, ओके। नाउ आई हैव प्रिपेयर वन एक्टिविटी फॉर यू, सो इस ट्रैफिक रूल्स में आपको जो ये बना हुआ है इसमें आपको कलर करना है, ओके। सो आप मैं इसमें रेड येलो एंड ग्रीन लाइट फिल करेंगे बहुत अच्छे से, और इंडिकेट भी करेंगे कि रेड लाइट सेज स्टॉप, येलो लाइट सेज वेट एंड ग्रीन लाइट सेज गो, अंडरस्टैंड एवरीवन। तो आप इस एक्टिविटी को अपनी ईवीएस की नोटबुक में डन कर लीजिएगा, ओके। इसके अलावा मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक राइम्स दी थी ट्रैफिक रूल्स पे, तो ये राइम्स आपको मैं आज फिर दे रही हूँ, इसको भी आप लर्न करिएगा। स्टॉप सेज द रेड लाइट, गो सेज द ग्रीन, वेट सेज द एम्बर वन, स्टैंडिंग इन बिटवीन, है ना।
सो आप इसको अच्छे से लर्न करिएगा, क्योंकि इसमें सारे आपके ये ट्रैफिक जो लाइट के रूल्स हैं ये इसमें सारे बताए जा रहे हैं, तो इस लाइन्स को आप बहुत अच्छे से लर्न करिएगा। ओके, वंस अगेन रिपीटेड, स्टॉप सेज द रेड लाइट, गो सेज द ग्रीन, वेट सेज द एम्बर वन, चेंजिंग इन बिटवीन। सो आई होप यू हैव ऑल फन। ओके, सो नाउ वी मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।